मम्मी जी मैं अकेले थोड़ी हूँ, आप सब है ना मेरे साथ। और फिर यूवी भी है मेरा दोस्त बनकर मेरा साथ देने के लिए, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मैं किसी और की नहीं हो सकती। कुछ और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता मम्मी जी, कुछ कुछ मेरी जान है। तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा, सच मानो इसलिए भी अपनी बहू का हाथ किसी के हाथ में देना कोई आसान बात नहीं है। ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि यू भी बदल चुका है, अब तो ये हमारे बेटे जैसा हो गया है, हमारा साथ देता है, हमारा ख्याल रखता है। ट्विंकल, जिंदगी भर कदम से कदम मिलाकर तुम्हारा साथ देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा समझो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आज तक हम दोनों ने इतनी बातें की, कितने झगड़े करे, लेकिन आज लाइफ में पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। ट्विंकल, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कितनी गलतियां करी, कितनी मिस्टेक्स करी है, अपने हर रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आज मुझे सारी चीजें संभालने का मौका मिला, एक चांस दिया। उषा आंटी ने कितने हक से, कितने पॉजिटिव वे में मुझसे शादी की बात करी आपकी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जब मैंने तुझे सेम सिचुएशन में देखा तो मुझे हम दोनों की मॉम्स की सिचुएशन याद आ गई। ट्विंकल, तूने और मैंने एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस करी। तेरी मॉम ने भी तुझे अकेला पाला और मेरी मॉम ने मुझे अकेला, लेकिन शायद ये तू भी मानेगी, कहीं ना कहीं हमें डैड की कमी महसूस होती होगी ना जरूर। हाँ, तुझे याद होगा हम लोग हमारे डैड के बारे में डिस्कस किया करते थे कि अगर हमारे डैड होते तो ये होता, हमारे डैड होते कि वो होता, लेकिन इस मामले में तू लकी रही ट्विंकल, तुझे तेरे डैड मिल गए थे। एंड यू नो, शायद मेरे डैड नहीं थे इसलिए मैं गलत रास्ते पे निकल गया, अगर मेरे डैड होते ना तो शायद मुझे दो थप्पड़ मार के मुझे सही कर देते, मुझे सही रास्ता दिखाते, सही गलत का डिफरेंस बताते, समझाते। कहते ना कि बेटा जब बड़ा हो जाते उसके फादर उसके दोस्त बन जाते। I missed it all. लेकिन ट्विंकल, मैं ये नहीं चाहता कि जब तेरा बच्चा बड़ा हो तेरे बच्चे को भी एक डैड की कमी महसूस हो। बाय गुरुजी, आज ट्विंकल और मेरे प्यार का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज मैं फाइनली ट्विंकल से मिलूंगा, हो सकता है वो मुझे पहचान ना पाए, लेकिन हम दोनों के दिलों के तार तो आपसे जुड़े हैं। प्लीज वाहेगुरु जी हमें गाइड कीजिए। कुंज, आई जस्ट होप तुमने भगवान से जो कुछ भी मांगा है ना तुम्हें मिल जाए। कुंज, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ट्विंकल और युवराज नजदीक आ रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उस मोड़ पर हमेशा हिम्मत बना के रखना, कभी उम्मीदें मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। ओम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझे आज अपनों से मिलना है और सबसे ज्यादा मेरी स्यापा हुई। तेरे चेहरे की खुशी देखने के लिए तो तड़प रहा हूं मैं। ट्विंकल, तेरा कुंज वापस। आप लोग अब आखिरी फेरा लीजिए, इसके बाद आप लोग शादी के फेरे में बंध जाएंगे। अब आप लोग बैठिए, आगे की रस्म पूरी करते हैं। लीजिए सिंदूर लगाइए। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जाइए अपने से बड़ों का सबका आशीर्वाद लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।